अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ बाजू प्यूरी की रेसिपी। मैंने आलू धोकर उसे बॉईल के लिए रख दिया और फिर मैंने साइड बाय साइड भाजी की तैयारी की। फिर मैंने यहाँ पे प्याज छील लिए और उसे चॉप कर दिया चॉपर मशीन में। फिर उसके बाद मैंने पूरी की तैयारी की। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाला तेल और नमक डालकर उसे अच्छे से गून लिया, क्योंकि पूरी का आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको अच्छे से गून कर 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। तब तक आलू बॉईल हो चुके थे, मैंने आलू छील कर उसे भाजी के लिए कट करके रख दी। फिर मैंने भाजी बनाना शुरू किया। मैंने लिया तेल, उसमें डाला राय और जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, तेज आप अपने हिसाब से बना सकते हो, और चॉप प्याज। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दिया। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें डाला हल्दी और फिर कटे हुए आलू डालकर मैंने और उसको 10 मिनट तक पकाया, क्योंकि वो मसाले में अच्छे से पकने चाहिए। फिर लास्ट में मैंने डाला नमक और धनिया डालकर उसे मिक्स किया। 5 मिनट तक और उसे थोड़ा पकने दे और फिर उसे ढककर रख दे। फिर मैंने जो आटा गूंद लिया था उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर पूरियां बेल ली। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही पूरी को तेल में छोड़े और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे पूरी फूल रही है। जब ऐसे पूरी फूलती है ना, ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है पूरी देखकर। फिर यहाँ पर मैंने फैजान की प्लेट रेडी की, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले उनको सर्व करती हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।